शिवपाल सिंह यादव की नई पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के बैनर और पोस्टरों से मुलायम सिंह यादव की गायब की गई तस्वीर को यूपी पत्रकार के सवाल उठाने के बाद देर रात वापस लगा दी गई। असल में समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से जुड़े हुए फरहान शकील गांधी जयंती के मौके पर एक यात्रा को पिछले कई वर्षों से लगातार निकाल रहे हैं। इसी यात्रा से संदर्भित उन्होंने कई पोस्टर बैनर शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए हुए थे। इन बैनरों और पोस्टरों को मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को नदारद देख करके सवाल उठना शुरू हो गए हैं। जब इस बात की जानकारी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के स्थानीय नेताओं तक पहुंची, तो उन्होंने पहले इसको प्रिंट मशीन की चूक बता करके दुरुस्त करने की बात कही और इसके बाद देर रात होते होते पहले से लगाए गए पोस्टरों के बीच में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को पेस्ट कर दिया गया। न केवल मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को लगाया गया बल्कि इस यात्रा के संयोजक फरहान शकील की फ़ोटो को भी अलग से लगाया गया, जिसमें बाकायदा फरहान शकील को संयोजक के तौर पर दर्शाया गया, जबकि पहले से स्थापित फ़ोटो में कहीं पर भी फरहान शकील को संयोजक नहीं बताया गया था। SPN9 न्यूज़ रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।